फेमस सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 11 को अपना विनर सनी हिंदुस्तानी मिल चुका है। विनर बनते ही सनी हिंदुस्तानी को देशवासियों का भरपूर प्यार मिल रहा है। इंडियन आइडल जीतने के बाद सनी हिंदुस्तानी को कई सारे ऑफर मिल चुके हैं। जहां शो में रहते हुए सनी हिंदुस्तानी बॉलीवुड की दो फिल्मों में डेब्यू कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर अब सनी को टी सीरीज से गाने का ऑफर मिला है। टी सीरीज के हेड भूषण कुमार ने सनी को ट्रॉफी देते हुए फोटो पोस्ट करते हुए इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा कि सनी हिंदुस्तानी बेहद टैलेंटेड है और मुझे उन्हें इंडियन आइडल 11 के विजेता की ट्रॉफी देते हुए बहुत खुशी हुई। हमारे आने वाले गानों पर उनके साथ काम करने में मज़ा आएगा। सनी की मेहनत रंग लाई है और सभी सनी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सनी के बारे में आयुष्मान खुराना की मूवी शुभ मंगल ज़्यादा सावधान के एक्टर गजराज राव ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा कि वो जूते पॉलिश करता था और माँ गुब्बारे बेचती थी, लेकिन दोनों ने सपने देखना नहीं छोड़ा और सपने देखना जारी रखा। दो रोज पहले उनका सपना सच हो गया। उनके दर्द और जिंदा दिली की कहानी सुन चाहकर भी हमारे आंसू नहीं रुक पाए। सनी हिंदुस्तानी और उनके जैसे हजारों सनियों को हमारा सलाम। शुक्रिया सोनी टीवी अनजान कलाकारों के लिए यह मंच खड़ा करने के लिए। इंडियन आइडल का फिनाले काफ़ी शानदार रहा। फिनाले में शुभ मंगल ज़्यादा सावधान की टीम से आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, जितेंद्र कुमार और गजराज राव पहुंचे थे, जहां आयुष्मान कंटेस्टेंट के साथ परफॉर्म करते दिखे। फिनाले में रोहित राहुत, अकोना मुखर्जी, अद्रिज घोष और रिदम कल्याण को मात देकर सनी हिंदुस्तानी ने जीत हासिल की। दो बॉलीवुड डेब्यू के बाद अब सनी टी सीरीज के लिए गाने को तैयार हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.